हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड आज बात करने वाले एक बेहतरीन स्टॉक से रिलेटेड। उसके रिजल्ट आ जाए और शेयर में 7 to 8% की जंप, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं आपको दिखाऊंगा मैंने 3 वीक पहले वो शेयर खरीदा था। एंड मैंने वो वीडियो डाली थी और मैंने आपसे कहा था कि शेयर की तरफ ध्यान देना। उस टाइम एबनॉर्मल डिलीवरीज तो थी, वो एक अलग बात है, बट उस शेयर में बहुत ज्यादा और भी कुछ चीजें थी जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि जब भी ऐसी चीजें आपको किसी पर्टिकुलर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में मिल जाए, उसे उठा लेना चाहिए, उस शेयर को गंवाना नहीं चाहिए। तो आज हमने 3 वीक पहले खरीदा था, बात की जाए 21 डेज पहले, और आज के दिन में हमें कितना अच्छा खासा मोर देन 10% का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है, इसलिए आप इस वीडियो को भी लास्ट तक बने रहिएगा और इस तरीके की वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी सीख सके। और सीख के जब आप काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप बहुत ज्यादा पैसा मार्केट से कमाएंगे और आप किसी भी तरीके के ट्रैप में नहीं फंसेंगे, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर द वीडियो से रिक्वेस्ट आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें। और कल की डेट में यहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक से रिलेटेड शेयर बताया गया था, डायनेमिक शेयर से रिलेटेड बातें की गई थी। यहाँ पर इसी तरीके का चार्ट पैटर्न कुछ बन रहा है जिसमें आज की वीडियो की बात करूंगा उसी तरीके का। तो ऐसी ही जो यहाँ पर 4 वीडियो आई थी, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, काफी सारी वीडियोज का उन्हें देखिए। और आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट है, क्लिक करें, फ्री में ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन कराए। और ब्रेकआउट स्टॉक Q4 रिजल्ट और स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स के लिए यहाँ पर कुछ वीडियोज बना रखी है, उन वीडियो को जाके देखिए तो आपकी नॉलेज शार्प होगी। जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में किस तरीके से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक एक करके अब वीडियो की तरफ चलते हैं और चीजों को देखते हैं। जिस शेयर की बात कर रहा हूँ वो उसका नाम है वर्लपूल। ओके, लास्ट तक बने रहिएगा, रिजल्ट तो हम देखेंगे देखेंगे, डिविडेंड वगैरह भी दिया आई थिंक। और हम क्या चीज देखने वाले, टेक्निकल, इस अभी कुछ देरी नहीं हुई, बहुत बेहतरीन यहाँ पर और भी ज्यादा गेन है, तो इसमें लास्ट तक बने रहिए। अगर यहाँ पर देखे हम इसमें डिविडेंड आई थिंक दिया है, हाँ दिए, यहाँ पर देखे तो फाइनल डिविडेंड यहाँ पर ₹5 का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। तो इस चीज को देखिएगा, यहाँ पर ये फाइनल डिविडेंड है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट डिविडेंड वगैरह के लिए हम इन्वेस्ट नहीं करते, हम इन्वेस्ट करते हैं प्राइस एप्रिसिएशन के लिए। प्राइस एप्रिसिएशन होगा तो ऑब्वियसली बात है अच्छा खासा पैसा हमें ऑब्वियसली मिलता, स्टॉक ही का प्राइस ही दे देगा, तो हमें और किसी की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर अगर देखते हैं, देखिए इनलैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, स्टैंड अलोन रिजल्ट है। ओके, यहाँ पर ये इस बार का रिजल्ट है, ये Q3 के इसी साल के रिजल्ट है, Q4 के लास्ट ईयर के। टोटल इनकम देखते हैं, 179,254 लाख रुपीज का टोटल इनकम है, इससे पहले 1,52,000 था, इससे पहले 1,37,000 के लगभग था। तो अगर बात करें ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे का यहाँ पर कंपनी ने इनकम में काफी बेहतरीन जंप लगाई है। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ देखिए 1,62,000 के आसपास का यहाँ पर एक्सपेंस है, इससे पहले 1,43,000 था, इससे पहले 1,26,000 था। तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर एक्सपेंस में भी जंप है। और बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 12,382 लाख इन रुपीज, इससे पहले 6,437, इससे पहले 8,741। तो ईयरली बेसिस पे तो कंपनी में अच्छा खासा जंप है, क्वार्टरली बेसिस पर 2 टाइम्स यहाँ पर लगभग प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए इस तरीके की कंपनी जहां पर आपको विश्वास होना कि अच्छा खासा गेन दे सकती है, तो ऐसी कंपनी में बने रहने का। और जब एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो, और वो अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढनी है यहाँ पर लास्ट में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें ईपीएस की, तो ₹9.76 का ईपीएस है, इससे पहले ₹5 का ईपीएस, इससे पहले ₹6.6 के आसपास पैसे का यहाँ पर डिविडेंड था, तो सॉरी ईपीएस था। तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो ये तो होगी रिजल्ट की बात। सॉरी, यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट रिजल्ट भी है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीएससी की साइट पर जाइएगा और देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें इस शेयर की, तो यहाँ पर अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये देखिए हमारा चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर 24 मई को लगभग 20-21 दिन पहले यहाँ पर वीडियो बनाया था, काफी सारे लोगों ने देखा भी था। और अगर बात करूं यहाँ पर, आई बॉट दीज टू शेयर टूडे, वर्लपूल एंड ब्रिटेन, यहाँ पर दो बताया था, इसने लगभग 7 to 8% के गेन तब से दे दिए हैं। ओके, जेटी केटी को हमने ब्रेकआउट पकड़ा था। ओके, इंग्रीविया, मैं इंग्रीविया ने यहाँ पर अच्छा
खासे यहाँ पर गेन दिए थे, वर्लपूल उसी टाइम खरीदा था। किस प्राइस पे खरीदा था? तो 2150 रुपए के किस के आसपास यहाँ पर शेयर खरीदा गया था। और आज की डेट की बात करें तो आज शेयर कहाँ पर है? आज है 2353 रुपए। आज के दिन में ही 161 रुपए का जंप लगाया है, लगभग 7.35% का यहाँ पर एक ही दिन में गेन दे दिया है। और 21 दिन की बात कर रहा हूँ, जब मैं जब हमने यहाँ पर शेयर खरीदते हुए हम दिखाई दिए थे, तो सॉरी यहाँ पर 2150 रुपए के आसपास हमने शेयर खरीदा था, तो यही आसपास शेयर खरीदा था। उसके बाद भी अगर देखें तो लगभग लगभग 10% का यहाँ पर हमें प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है 21 दिन के अंदर अंदर। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन कंपनी है, बट बीच में यहाँ पर गिरावट भी होती है, वॉलेटाइल भी है। यहाँ पर आज की डेट की भी बात करें 23% की, मतलब 2,43,000 शेयर यहाँ डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। इसका 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई एक ही है, 2787 मतलब 2787 रुपए का यहाँ पर शेयर है, और 1980 रुपए का 17 अगस्त को शेयर था, और इसी के आसपास यहाँ पर अभी भी शेयर मिल रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर उठाया था। और एक किस रीजन से बताया था वो भी हम बात करते हैं अभी। यहाँ पर अगर बात करें, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती हुई नजर आती है, 5 रुपए का डिविडेंड इस बार भी दिया है। 75% के शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स के पास, कुछ भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है, तो ये सारी चीजें देखिए। इसके अलावा बात करें तो फाइव टाइम्स कंपनी ने बोनस दिया है, और यहाँ पर देखिए कंपनी बहुत पुरानी है, 71, 74, 84, 90, 92 यहाँ पे यहाँ पर डिविडेंड 1:2, 1:1, 1:2:5 यहाँ पर इस तरीके के यहाँ पर डिविडेंड भी दिए हैं। राइट इशू भी यहाँ पर काफी बार यहाँ पर लेके आई है। और यहाँ पर अगर बात करें 10 के फेस वैल्यू पे, शायद कभी आगे चल के स्प्लिट भी दे सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अगर कुछ और पैरामीटर हम देखते हैं, सॉरी एक एक यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट दीजिए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर कंपनी यहाँ पर करती क्या है। आपको पता ही है वर्लपूल बहुत बड़ा नाम है, ओके। यहाँ पर एसीज वगैरह आपके मिलेंगे, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, मतलब आपको सब हर तरीके के सामान यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे, जो कि घर में सारे काम में आते हैं। और ये अगर यहाँ पर और भी कुछ यहाँ पर इनकी वेबसाइट में ही जाके देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर वॉशिंग मशीन, फ्रीज, ओके, यहाँ पर एसी, यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती हुई नजर आती है। तो इस माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर और भी जाइए, प्यूरीफायर, तो इस तरीके के, मतलब जिस तरीके से धीरे धीरे लोगों की इनकम बढ़ रही है ना, तो उस तरीके से लोग यहाँ पर परचेजेस भी कर रहे हैं। और लोग धीरे धीरे यहाँ पर भारत के लोग, अभी तो बेशक से इनकम थोड़ी कम है, बट धीरे धीरे लोगों की इनकम बढ़ेगी, और जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो सेमी ऑटोमेटिक नहीं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेंगे, सिंगल डोर नहीं डबल डोर यहाँ पर रेफ्रिजरेटर भी लेते हुए नजर आएंगे, तो और एसी भी कूलर की जगह एसी यूज करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो कंपनी है ना, बड़ी बड़ी जिन जो पुराने काफी 20 20 30 30 40 40 साल पुरानी कंपनी है, तो इन्हीं में इनका लोगों का ट्रस्ट है, तो इन्हीं को कंपनी को यहाँ पर लोग यूज करते हुए नजर आएंगे, इन्हीं कंपनी के प्रोडक्ट लेते हुए नजर आएंगे। मार्केट कैप लार्ज कैप कंपनी है, 27,807 करोड़ की मार्केट कैप है। डेट की बात करें 0% का डेट है, मतलब डेट फ्री कंपनी है। ये देखिए आरओसी, देखिए 18.3% का आरओसी, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, तो ये सारी चीजें इसके फेवर में आती है। सेल्स की बात करें, यहाँ पर देखिए सेल्स बीच में थोड़ी सी कम हुई थी, बट अभी भी बात करें तो हाईएस्ट एवर सेल्स यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है क्वार्टरली बेसिस पे पिछले 12 महीने से। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर एक आध दो जगह पर यहाँ पर जस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर ज्यादा आता हुआ दिखाई था, बट स्टिल अगर बात करें, आपको पता ही है पेंडेमिक का असर आ गया था, अदरवाइज यहाँ पर और भी हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आता और हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी आता हुआ दिखाई देता, बट कोई इशू नहीं है। कंपनी धीरे धीरे पेंडेमिक के बाद यहाँ पर रिकवर और अच्छा खासा परफॉर्म किया है ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे, जो कि हमने रिजल्ट देख ही लिए है। बाकी अगर बात करें ईयरली बेसिस पे, यहाँ पर पिछले 10 साल में कंपनी लगभग लगभग 2 गुने से ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट एवर यहाँ पर पिछले 2 साल में सेल्स होती हुई दिखाई दी है, पेंडेमिक की वजह से कम है, वरना 6,000 के आसपास यहाँ पर नजर आता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर अगर बात करें पिछले 2-3 क्वार्टर से काफी बेहतरीन आया है, यहाँ पर पेंडेमिक का असर है, अदरवाइज ये शेयर और ये जो कंसिस्टेंसी है ना यहाँ पर प्रॉफिट, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ये हमेशा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो बढ़ता हुआ ही आपको नजर आता है, बट स्टिल यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म किया है। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स यहाँ पर अभी दिखाई नहीं है, बट स्टिल अगर इसको भी कैलकुलेट
कैलकुलेट कर ले तो 2500-2600 करोड़ के रिजर्व्स होंगे, कंपनी डेट फ्री है ही, यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंपनी खर्च कर रही है, इस पर दे सकते हैं। और जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आगे चल के अच्छा खासा पैसा कंपनी और बनाती हुई दिखाई देगी, कैश अच्छा खासा है, ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा है, बात करें जो भी पैसा आता है वो सीधे बुक में दिखाई देता है, आरओसी अच्छा खासा है, 29-30 के आसपास के आरओसी पे कंपनी हमेशा काम करती आई है, मोर देन 30, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, एफआईज ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है, डीआईज ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है, बट 11% के आसपास है, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास केवल और केवल 10% की हिस्सेदारी है, 10.61% की, और इसमें भी एचएनआईज और बड़े बड़े लोग हैं ना वो यहाँ पर ज्यादा दिखाई देंगे, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देखिए, रिटेल पब्लिक के पास ना के बराबर ही हिस्सेदारी है, ये समझ के चलिए। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न की, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ये शेयर पकड़ा था, और यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर आपको बताया भी था कि इसके टारगेट क्या आ सकते हैं, इसके टारगेट दोबारा यहाँ पर एक बार देख लेते हैं और बात कर लेते हैं कि इसके टारगेट के लिए कहाँ पर। देखिए मेरे को जो लगता है जो इसका 52 वीक हाई था ये जब यहाँ पर जो इसने अभी रिसेंटली बनाया था, इधर तक तो जाना ही जाना है। ओके यहाँ पर से अगर हम देख लेते हैं कितना परसेंट का, लगभग 18% का यहाँ पर अभी भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है ही है, बट स्टिल अगर हम बात कर लेते हैं, जबकि हाईएस्ट एवर रिवेन्यू वगैरह सब चीज़ यहाँ पर मिलती हुई हमें नजर आई है, तो यहाँ पर अगर फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ लिया, फिर दो बार यहाँ लिया, फिर एक बार यहाँ पर लेके फिर यहाँ पर नीचे जा गया और यहाँ पर एक कर्व बनाया, और जब भी इस तरीके का कर्व बनाता है ना तो हमेशा याद रखिए शेयर को ऊपर जाना ही जाना होता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करोगे तो अच्छा खासा पैसा मार्केट में अपने आप देता हुआ नजर आएगा, बस राइट टाइम पे आपको खरीदने की जरूरत है, और राइट टाइम कब होता है तो वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए ये एक कप बनाता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये कप बना, ये हैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है, ये हैंडल जैसे यहाँ पर हो जाएगा पूरा तो एक ब्रेकआउट होता हुआ और नजर आएगा, और जब ब्रेकआउट पूरा का पूरा होगा तो इसके टारगेट क्या नजर आएंगे, तो इसके टारगेट ये नजर आएंगे जो आपको मैं अब दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखिए। तो इसे अगर हम उठा के इसकी लाइन पे रख देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टारगेट क्या नजर आ रहे हैं, इसके टारगेट साफ नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए तो ये टारगेट पूरा 3700 रुपए के आसपास का ये टारगेट नजर आ रहा है, और यहाँ से अभी करंट अपॉर्चुनिटी से बात करेगी अभी जो शेयर चल रहा है तो लगभग लगभग 60% की अपॉर्चुनिटी है, और ये 60% की अपॉर्चुनिटी मतलब एक सवा साल भी दे दिया तो आपको पूरा का पूरा 60% के गेन मिल जाएंगे, और एक सवा साल ऐसी कंपनी में लगता नहीं है, जब ऑपरेटर आते हैं ना तो अच्छा खासा गेन आ जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, देखिए जब यहाँ पर ये शेयर चल रहा था ओके तब ये 200 डीएमए के ऊपर था, आपको टारगेट आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया है, तो मैं इस ड्राइंग को थोड़ा हटा रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। देखिए यहाँ पर जो 200 डीएमए की ये लाइन है ओके और इसके नीचे ये शेयर चल रहा था, तो हमने यहाँ पर खरीदा, जब भी कोई भी शेयर या तो 30% नीचे आ रहा हो अपने ऑल टाइम हाई से, या फिर क्या कहते हैं यहाँ पर ऑल टाइम हाई मीन्स 52 वीक हाई से, या फिर यहाँ पर अगर बात करें ये जो जो 200 डीएमए की जो लाइन है उससे अगर नीचे चल रहा हो ना, तो हमेशा शेयर को चूज करिए, उठा लीजिए और रख लीजिए, थोड़ा बहुत टाइम में वो डेफिनेटली भागता है, इसी सिद्धांत के बेस पे हमने यहाँ पर लिया था, बाकी यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न भी बन रहा था। दूसरी चीज और तीसरी चीज ये कि हमेशा आपको फंडामेंटली स्टॉक शेयर ही चूज करना है इन बेसिस पे, ऐसी ही कोई भी कंपनी को हमें नहीं चूज करना है, वरना हमें खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा, जो कि हमें आज भुगतना भी पड़ा, जो कि यहाँ पर अगर बात करें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि हमने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही थी बट नहीं आया, अच्छे रिजल्ट भी कुछ रिजल्ट ठीक ठाक थे तो बट इतने कुछ खास रिजल्ट नहीं थे, तो आज की डेट में यहाँ पर शेयर नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, तो कोई इशू नहीं है, वर्लपूल से रिलेटेड वीडियो थी, बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।